बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बयान फरमाया है और मेक श्योर कि इसका अलमा हमें होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। जो मायूस कुल हालात है जिनसे हम दो चार हैं, इनमें हमारा हाल ये है कि समझ ले मुझे ना उम्मीदी क्या क़यामत है कि दामन ख्याल यार छूटा जाए मुझसे, उम्मीद का दामन हाथ से छूट जाता। कैसे हालात सीधे हो जाएंगे, कैसे खिलाफत आ जाएगी। जैसे कुरान मजीद में तो तस्करा है, जब पहली मर्तबा यरूशलम को बर्बाद किया है नबूकदनेस्सर ने, हजरत उज़ैर जब आए हैं वहां देखा शहर को, कोई मुतनफिस नहीं, कोई दो ईंटें सलामत नहीं, उनकी जबान से अल्फाज निकल गए, अन्ना यही हाजिल्लाहु बादा मौतिहा, ये बस्ती जो ऐसे वीरान हो गई, अल्लाह उसे कैसे दोबारा जिंदा करेगा। सूरह बकरा में वाकया मजकूर है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं। आज वही हाल हमें नजर आ रहा है, दुनिया में खिलावत कैसे आ जाएगी। यहां तो डंका बज रहा है अमेरिका का, यहां तो ताकत वो है, इसराइल का खंजर जो है आलम अरब में घुबा हुआ है, और गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड में भारत का खंजर, और दोनों खंजर का निशान है। कभी नक्शा देखा हो, इसराइल तो वाकई खंजर के मानिंद था, जब तक ये वेस्ट बैंक शामिल नहीं हुआ था उसकी शक्ल बिल्कुल खंजर थी, ऊपर दस्ता और नीचे वो फल, आलम अरब के सीने में पैवस्त। यही भारत का हाल है, आप नक्शा देखिए, कश्मीर खंजर के दस्ते के मानिंद है और नीचे वो तिकोन जा रही है, और इसी ने जुदा किया है आलम इस्लाम का एक हिस्सा जो मगरबी पाकिस्तान के साथ हो गया, और वो जो बंगाल मशरकी पाकिस्तान से होते हुए इंडोनेशिया मलेशिया अलहदा हो गए। उस पूरे को जहन में रखिए, तो यहां भी वो खंजर उसी तरह पैवस्त। हालात इतने मायूस, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे हुक्मरानों के दुनिया में मजाक उड़ते हैं, हमारे वसाइल उनके देने तसल्लुत है, उनके कब्जे में है, हमारी पॉलिसियां वो बनाते हैं, हमारे लिए बजट इंस्ट्रक्शंस वहां से आती है, टैक्सेशन पॉलिसीज उनके अहकाम के मुताबिक बनती है, फिर कहां से हो जाएगा। अन्ना यही हाजिल्लाहु बादा मौतिहा, कैसे जिंदा करेगा। मैं उसके लिए आपको यह हदीस सुनाना चाहता हूं ताकि वो यकीन पैदा हो। ईमान बिल गैब जो पहली शर्त है कुरान मजीद की हिदायत से इस्तेफादे की, नबी ने खबर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने अपनी तारीख, अपनी उम्मत की कुल तारीख के पांच अदवार गिना दिए। हजरत नुमान इब्ने बशीर की हदीस मुस्तद अहमद इब्ने हंबल, तकूनुन नबुव्वतु फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकून, मुसलमानों तुम्हारे माबैन नबुव्वत कायम रहेगी, मौजूद रहेगी, यानी मैं बनफ्से नफीस तुम्हारे माबैन रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा नबूवत को उठा लेगा, यानी मेरा इंतकाल हो जाए। दूसरे दौर की खबर दी, सुम्मा तकूलो खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, फिर एक दौर आएगा खिलाफत का ऐन नबूवत के नक्शे कदम पर, कोई फर्क नहीं होगा, वही निजाम जो मैंने कायम किया है जू का तू कायम रहेगा, मेरे नक्शे कदम पर वो खिलाफत होगी। फरमाया वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। फिर फरमाया तीसरा दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़म ज़ालिम मुलुकियत, बादशाही महल बनेंगे, ठाट जमेंगे, जुल्म का सिक्का रवा होगा, नाजायज कत्ल होंगे, हज्जाज इब्ने यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबी मोहम्मद इब्ने कासिम बुलाकर शहीद कर दिए गए, वरना उसी वक्त पूरा यह जज़ीरा नुमा हिंद जो है इंडियन पेनिनसुला उस वक्त पूरा का पूरा मुसलमान हो जाता। लेकिन मुलुकियत को कभी यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स पब्लिक के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाए, पॉपुलर होना शुरू हो जाए, उनके इख्तदार के लिए खतरा हो सकता था। इसी दौरे मुलुकियत में वाकया करबला हुआ, हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए, इसी जालिमाना हुकूमत के दौर में वाकया हर्रा हुआ, मदीने की बेहुर्मती हुई 3 दिन तक, इसी के दौर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। मैं अब क्या क्या गिनवाऊं। हुजूर ने जब फरमाया सुम्मा तकून मुल्कन आज़म, काज खाने वाली मुलुकियत, ये उसी की शरह। फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा दे। फिर चौथा दौर आएगा, सुम्मा तकून मुल्कन जबरियन, फिर बादशाही होगी गुलामी के साथ। मैं नहीं कह सकता उस वक्त सहाबा ने इसका मतलब क्या समझा होगा, अब चूंकि ये दौर हमारे सामने से गुजर चुका है, बल्कि एक एतबार से हम उसी दौर में सांस ले रहे हैं, लिहाजा बात समझ में आ रही है कि वो मुलुकियत चाहे जालिम थी,
बादशाह मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी हुए हैं। तारीख इंसानी में मुसलमानों के जैसे उमदा मिसालें हैं, उमदा बादशाहों की शायद तारीख के अंदर कोई और मिसालें पेश न की जा सके। लेकिन यह कि इसके बाद जो दौर आया, कहीं हम ताजे बरतानिया के गुलाम बन गए, मलकाए बरतानिया, शाहे बरतानिया, हिज मजिस्ट्री इज गवर्नमेंट, हर मजिस्ट्री इज गवर्नमेंट, कहीं फ्रांस के, कहीं इटली के, कहीं हॉलैंड के, कहीं और किसी के, फ्रांस के, इस तरह से पूरा आलम इस्लाम जो है कॉलोनियल दौर के अंदर गुलामी के दौर में चला गया। यह चौथा दौर था, लेकिन यहां थोड़ा सा तवक्कुफ कर लीजिए, यह चौथा दौर एक दर्जे में खत्म हो गया है। कहते हैं दुनिया वाले कॉलोनियल दौर खत्म हो गया, हकीकत में खत्म नहीं हुआ, बराह रास्त हुक्मरानी खत्म हुई है, इनडायरेक्ट रूल जारी है, रिमोट कंट्रोल के जरिए से वही हुकूमत कर रहे हैं, बटन वही से दबते हैं, हम जाकर झोलियां उन्हीं के सामने पसारते हैं, उन्हीं से कभी सरमायाकारी की भीख मांगते हैं, कभी कर्जों की भीख मांगते हैं, उनके चश्मे अबरू के इशारों के मुंतजर रहते हैं, हमारी जंग और सुलह उनके ताबे है, हमारे तमाम वसाइल उनके तसल्लुत में है। वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ, फर्क सिर्फ ये है पहले बराह रास्त हाकिम थे, आज बिलवास्ता हाकिम। लेकिन हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दौर भी खत्म होकर रहेगा। यूं समझिए जैसे कराची में लांडी कोरंगी में कई नंबर आते हैं बसों में, कराची लांडी नंबर एक, लांडी नंबर दो, लांडी नंबर तीन, फिर कहीं साढ़े तीन भी होता है। आज हम बीच में खड़े हैं इस चौथे दौर के, ये हुजूर के कौल के मुताबिक मुल्कन जबरियन या दौर अभी जारी है, जिस खत्म हो गया है जिस अभी बाकी। लेकिन एक बात तो बड़ी तलख है, अभी बकिया निस्म में बड़ी कयामतें गुजरने वाली है, इसी बकिया निस्म में वो मारका पेश आने वाला है, इसी में वो मलाहिम होंगे, इसी में वो अलमलहमतुल उज़्मा होगी, इसी में दज्जाल अकबर का ज़हूर होगा, इसमें हमारे ऊपर तकालीफ और मसाइब अभी और उसके साए गहरे होंगे, और कुछ रोज सदाओं से लहू बरसेगा, और गमनाक के तारीख अंधेरे होंगे। लेकिन उसके बाद फरमान नबूवत पूरी शान के साथ जाहिर होगा, खिलाफत अला मिन्हाज नबुव्वा, फिर दौर आएगा खिलाफत अला मिन्हाज नबुव्वा का, दोबारा वही दौर, मैं नहीं वो निजाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में दोबारा कायम होकर रहेगा। मेरे कई दोस्तों ने कहा होकर रहेगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं होकर रहेगा, सिर्फ ये कि हम ये नहीं कह सकते अभी उसमें कितनी देर है। जैसे कुरान मजीद में कई जगह हुजूर से कहलवाया गया, नबी कह दीजिए इन अदरी अकरीब अम बईद मा तुअदून, लोगों जो वादा तुमसे किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता वो जल्दी पूरा होगा या देर में, होगा जरूर पूरा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नबी